अब सर यहीं पे एक और चीज़ आती है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि हमारे पास 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कुछ के पास कुछ 40+ ईयर्स के हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ेगा इस डिग्री को लेने से, हमारी मतलब करियर में क्या और नया होने वाला है अगर हम जैसे MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करते हैं या फिर MCA प्रोग्राम करते हैं, हम कोई भी हायर डिग्री करते हैं। ओके okay. I would say that this could be the best thing one can think of. You know why? Because now the work environment is changing. Jee. And Pooja, it is not only about obtaining the degrees. One should more focus on the skills, Jee. On the new skills. Because now the jobs, work environments are absolutely, they have changed. So, main itna bolunga ki now if you really wanted to stay in the race, every time you have to think on your upskilling, reskilling. So it is not only about getting the degree. And it is also about knowledge and skill. Or age is just a number. Age is just a number. So age is just a number. आपको upskill होने के लिए कभी भी आप studies कर सकते हैं। एक education ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको age पे नज़र डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी age में जाके education pursue कर सकते हैं। और उसका आपको केवल फायदा ही होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतना अच्छा इनपुट दिया और इतना सारा हमें इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट एजुकेशन, एंड आई रियली विश एंड होप कि हमारे स्टूडेंट्स को अब सारे आंसर मिल चुके होंगे। सो अगर आप अभी भी हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपना कुछ सजेशन दीजिए। In a very simple lines, my suggestion to my all students is that learning should not stop. It should never stop. It should go with the life. Knowledge gives you confidence. Confidence gives you growth. And now we are living in an IT era, information technology world. वक्त बदल गया है। हमारे टाइम पे हमको लाइब्रेरी और बहुत जगहों पे जाना पड़ता था नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। नाउ यू शुड ऑल से थैंक यू टू टेक्नोलॉजी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज जस्ट अवे एट द फिंगर टिप्स, बस ओके एक क्लिक करना है। या सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, इट शुड ये हमारे लाइफ के साथ साथ चलते रहने चाहिए। और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हमें भी बदलना चाहिए टाइम के साथ। ओह यस यस, बहुत बड़ा बदलाव आया कोविड के बाद जी। एंड कोविड के लिए भी मैं सबको बोलता हूँ कि देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट टेक ए प्रिकॉशंस, जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बी सेफ, अडियर टू कोविड प्रोटोकॉल्स, बट देयर इज नो नीड टू वरी। तो वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एजुकेशन आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली क्योंकि अब एजुकेशन सब आपके एक फिंगर स्टेप पे है, बस आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कोविड की वजह से, बाहर जाते वक्त थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना है, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच सर, एंड इट इज माय प्लेजर पूजा, थैंक यू।